गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 3 का ईवीएस का चैप्टर हमारा, जिसके बारे में हम जानेंगे जमीन पर रहने वाले जीव जंतु और पानी में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ों पर रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में। क्लियर है? अच्छा, आप ये बताएं कि आपने कौन कौन से पक्षी, जानवर, ठीक है, या छोटे जीव देखे हैं जो कहाँ पर रहते हैं? जमीन पर रहते हैं, जो पानी में रहते हैं और जो पेड़ों पर रहते हैं। देखे हैं आपने? बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है। लेकिन आपकी जो बुक में आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई देगा आपको, उसमें से यानी कि आप अपनी बुक को भी खोल सकते हैं। खोलने के बाद उसमें आपको आपका ये चित्र दिखाई देगा। लेसन नंबर 10, ठीक है, पार्ट नंबर 10 जो है उसका यह चित्र है। आप बुक खोले और बुक में देख भी सकते हो। उसमें से आपने बताना है कि जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, सिर्फ जो जमीन पर रहते हैं, उनके आपने नाम बताने हैं। तो चित्र को ध्यान से देखें और उसमें जो सबसे पहला हमें दिखाई दे रहा है वो है गाय, ठीक है। गाय जो है वो हमें दूध देती है, ठीक है, जिसके दूध से बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद है घोड़ा, ठीक है, जमीन पर रहता है और घोड़ा हमारे बहुत काम आता है बोझा ढोने के लिए। और जैसे हम खेल खेलते हैं जैसे, तो गेम्स में, गेम्स के अंदर भी घोड़े घोड़े का जो प्रयोग वो होने लगा है, ठीक है। दूसरा, तीसरा जो है वो है बकरी, ठीक है। बकरी भी क्या देती है? हमें दूध देती है, ठीक है, और यह है शाकाहारी होती है, ठीक है। तीसरा जो जानवर है वो है हमारा ऊंट, ठीक है। ऊंट एक ऐसा प्राणी है जो बिना पानी पिए बहुत दिनों तक रह सकता है और इसे जो रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ओके। अगला जो हमारा जीव है वो है खरगोश, ठीक है। खरगोश बहुत से रंगों में आता है, मोस्टली है सफेद रंग का होता है। तो यह भी जमीन पर रहता है और यह सिर्फ घास खाता है। आगे है चूहा, तो चूहे के विषय में आप सब जानते हैं, चूहा बिल में रहता है और ये अकेला ऐसा प्राणी है जो सबसे ज्यादा दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, ठीक है। अंत में जो हमारा वो है बिल्ली, ठीक है। बिल्ली जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में आती है, इसलिए हम इसको सर्वाहारी बोलते हैं। और यह जमीन पर भी रहती है, ठीक है, और यह सर्वाहारी कहलाती है क्योंकि यह है जैसे रोटी हम डालते हैं, रोटी भी खा लेती है और चूहों को भी खाती है, तो ये सर्वाहारी है, सभी प्रकार की चीजों को ये खा सकती है। इसके बाद है हमारे पानी में रहने वाले जीव जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, उनके नाम हमने इसी चित्र में से देखकर बताने हैं। अगर आपको इनसे ज्यादा नाम आते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो चित्र में है वो है मछली, ठीक है। अच्छा, मछली के ऊपर आपने एक पोइम भी पढ़ी होगी, है ना, छोटी क्लास में पढ़ी है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, यानी कि यह जो जीव है पानी के अंदर रहती है, ठीक है। और सबसे बड़ी मछली जो वो कौन सी है, वो है वेल शार्क, ठीक है, उसकी जो लंबाई है वो बहुत अधिक होती है। उसके बाद है मेंढक, ठीक है, मेंढक जो है वो पानी में रहता है, ठीक है, और इसकी साउंड क्या होती है, टर टर की साउंड ये है करता है। उसके बाद है हमारा बत्तख, ठीक है, बत्तख भी जो है पानी के अंदर रहती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा पेड़ पर रहने वाले जीव जंतु, यानी कि जो पेड़ों पर रहते हैं उनके हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। सबसे पहला है जैसे बंदर, ठीक है, बंदर जो है वो ज्यादातर पेड़ों पर ही रहता है, ठीक है। उसके बाद है कौवा, ठीक है, कौवा बहुत चालाक होता है और काले रंग का होता है, ठीक है, तो यह पेड़ों पर रहता है। और कौवा इसकी जो साउंड है, जिसकी ध्वनि हम क्या है, काव काव, कौवा काव काव करता है। उसके बाद है कबूतर, ठीक है,
कबूतर जो है ये भी पेड़ों पर ही निवास करते हैं और इनकी जो आवाज वो गुटर गुम होती है। उसके बाद है मधुमक्खी। मधुमक्खी मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है, ठीक है, और वो शहद कई बीमारियों में भी काम आता है, ठीक है। और उसके बाद है हमारा स्पैरो यानी कि चिड़िया। चिड़िया चींची करती है और यह पेड़ों पर रहती है। तो ये था हमारा आज का EVS का चैप्टर नंबर 10, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको इनसे अलग जो भी नाम आते हैं, जैसे जमीन पर रहने वाले, आप इनसे अलग इसमें 7 नाम दिए गए हैं, आप इनसे अलग भी नाम लिखें कॉपी के अंदर लिखे हो। पानी में रहने वाले जीव यानी कि बुक में सिर्फ 3 ही दिए गए हैं, आप इनसे ज्यादा लिखे जो पानी में रहते हैं, जैसे मगरमच्छ है ना, आप उनके नाम भी लिख सकते हो। और पेड़ों पर रहने वाले जीव जंतु इनमें 5 नाम दिए गए हैं, आप उनसे ज्यादा लिख सकते हैं। और ऐसे जीव जंतुओं का भी आपने नाम लिखना है जो जमीन के साथ साथ पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसे नाम सोचने हैं और वो लिखने हैं और उस काम को लेकर आपको अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।